गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन बिजनेस स्टडीज क्लास. इन प्रीवियस सेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ शेयर्स, दैट इज इक्विटी शेयर्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड कैटेगरी ऑफ शेयर्स, दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स. Preference shares are those shares which have preferential right over equity shares in case of payment of dividend and repayment of capital at the time of winding up. They are entitled to a fixed rate of dividend before any dividend is paid to equity shareholders. Preference shares are better suited to the needs of conscious and conservative investors who wants certainty of income and security of their investment. However, the rate of dividend specified in preference shares is not guaranteed. If any year's profit is not sufficient to declare dividend on shares, the preference shareholders will not get dividend. There is also a restriction on their voting rights. They have right to vote only on matters affecting their interest, like non-payment of dividend. Well, students, preference shares reality में क्या है? Preference shares की second category है. Preference shares को equity shares के comparison में बहुत सारे preferential rights available है. जैसा कि इनके नाम से ही आपको clear हो रहा है, इनको preference होता है. किस में preference होता है? Dividend मिलने में preference होता है. जब company wind up हो रही है उस time पर capital मिलने में भी इनको preference होता है. जिन shareholders के पास preference shares होते हैं, उन प्रेफरेंस शेयर्स के साथ एक फिक्स परसेंटेज लगा होता है, लाइक 5% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 8% प्रेफरेंस शेयर्स. एट द एंड ऑफ द ईयर शेयर होल्डर्स को उन पर्टिकुलर परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या रिसीव होता है? डिविडेंड रिसीव होता है. हाँ, लेकिन अगर किसी करंट ईयर में कंपनी को प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं तो हो सकता है इन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड रिसीव ना भी हो. अगर होगा तो उस फिक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग होगा. और जब कैपिटल रिटर्न करने का टाइम आता है, रीपेमेंट का टाइम आता है, उस टाइम पर भी इनको प्रेफरेंस दिया जाता है. कंपनी वाइंड अप हो रही है, बंद हो रही है, उस टाइम पर जो शेयर होल्डर्स को कैपिटल वापस दी जानी है तो सबसे फर्स्ट कैपिटल वापस मिलेगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. उनको कैपिटल वापस मिलने के बाद अगर कंपनी के पास कुछ फंड्स होंगे तो ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैपिटल मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज में, मैनेजीरियल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का कोई राइट नहीं होता, बट उनको कुछ मैटर्स में वोटिंग राइट्स अवेलेबल होते हैं. वो मैटर्स क्या हो सकते हैं? जो उनके अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से रिलेटेड हो, उन्हीं मैटर्स पर ही वो वोटिंग राइट्स कर सकते हैं. एग्जाम्पल हमने लिया है नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड. अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड रिसीव नहीं हो रहा है तो उससे रिलेटेड मीटिंग्स में वो वोटिंग राइट उनके पास अवेलेबल रहेगा, वो वोटिंग कर सकते हैं, कोई रेजोल्यूशन जो है वो पास आउट कर सकते हैं. दिस इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द प्रेफरेंस शेयर. कम टू द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. फर्स्ट वन इज क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव शेयर्स, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रॉफिट इन द पर्टिकुलर ईयर, द अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल एक्यूमुलेट एंड विल हैव टू बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ फ्यूचर ईयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज क्यूमुलेटिव अनलेस अदरवाइज स्टेटेड. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एक ऐसी कैटेगरी है प्रेफरेंस शेयर्स की जिस पर अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में डिविडेंड कंपनी नहीं दे पाई है. क्यों नहीं दे पाई? क्योंकि कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं थे डिविडेंड देने के लिए, तो इसीलिए कंपनी ने उनको डिविडेंड नहीं दिया. तो अगर आपके पास क्यूमुलेटिव नेचर के प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो आपका डिविडेंड जो है वो एरियर की फॉर्म में कंपनी के पास कलेक्ट हो रहा है. फ्यूचर के ईयर्स में आपको उन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलेगा. क्यों मिलेगा? क्योंकि आपके पास कौन सी कैटेगरी के क्यूमुलेटिव शेयर्स हैं? क्यूमुलेटिव कैटेगरी के क्यूमुलेटिव शेयर्स हैं. ठीक है, अगर
शेयर्स के साथ कोई भी फॉर्म अटैच नहीं है कि किस टाइप के शेयर्स हैं, तो उन प्रेफरेंस शेयर्स को हर हाल में क्यूमुलेटिव कैटेगरी का ही माना जाएगा. सेकेंड वन इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इज वन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिविडेंड डू नॉट एक्यूमुलेट इफ दे आर अनपेड एरियर आर नॉट कैरिड फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर्स. अगर आपके पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो किसी पर्टिकुलर ईयर में कंपनी अगर आपको डिविडेंड नहीं दे पाई है तो फ्यूचर के ईयर्स में उन शेयर्स पर आपको प्रीवियस ईयर्स का डिविडेंड नहीं मिलेगा, करंट ईयर्स का ही डिविडेंड मिलेगा. वहां डिविडेंड आपका एरियर की फॉर्म में कलेक्ट नहीं हो रहा है. अगर किसी साल आपका डिविडेंड मिस हो गया है तो उस ईयर का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर्स में आपको रिसीव नहीं होगा. सेकेंड कैटेगरी इज पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ए पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कैरीज ए राइट टू शेयर इन सरप्लस प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर ए फिक्स्ड डिविडेंड इज पेड बोथ प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स. द होल्डर्स ऑफ दीज शेयर्स गेट ए पार्ट ऑफ रेजिड्यूअल प्रॉफिट इन एडिशन टू द फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड. देखिए सबसे फर्स्ट जब डिविडेंड करंट ईयर का प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड की फॉर्म में जब डिस्ट्रीब्यूट होने जा रहा है तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट के अकॉर्डिंग डिविडेंड दे दिया जाता है. फिर जो रेजिड्यूअल प्रॉफिट होता है उसे एक फिक्स अमाउंट की फॉर्म में किसे बांट दिया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांट दिया जाता है. एवरी ईयर इसी प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है. और अब हर साल जब इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो कुछ प्रॉफिट्स को रिटेन्ड अर्निंग्स की फॉर्म में, रिजर्व्स की फॉर्म में रखा जाता है. एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी को जो है 50 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ, 50 लाख में से 20 लाख रुपीस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दिया गया, रिमेनिंग रह गए 30 लाख रुपीस. 30 लाख में से 20 लाख रुपीस इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की फॉर्म में दे दिए गए और 10 लाख रुपीस को कहां रख दिया गया, रेजिड्यूअल प्रॉफिट्स की फॉर्म में, रिटेन्ड अर्निंग्स की फॉर्म में कंपनी में ही रख दिया गया. ठीक है, रिजर्व्स की फॉर्म में कि कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत पड़े तो कंपनी के पास ओन फंड्स, अपने कुछ फंड्स, रिटेन्ड अर्निंग्स होने चाहिए जिससे कंपनी इजीली ग्रोथ के पाथ पे जा सके. कोई भी नया प्रोजेक्ट उसे हैंडल करना है तो वो ओन फंड्स को फटाफट से यूज कर सके. तो इस तरह से कंपनी एवरी ईयर इसी प्रैक्टिस को फॉलो करती है. अब इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते करते कई बार क्या होता है, कंपनीज का कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्टस नहीं होता, कंपनीज को किसी नए प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होता, तो कंपनी के पास बहुत सारे रिटेन्ड प्रॉफिट्स कलेक्ट हो जाते हैं. अब जब कंपनीज के पास बहुत सारे रिटेन्ड प्रॉफिट्स कलेक्ट हो जाते हैं तो शेयर होल्डर्स कहते हैं कि इतना अमाउंट रिटेन्ड प्रॉफिट्स में पड़ा है तो क्यों आप इस प्रॉफिट को हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देते. तो फिर कंपनीज में जो एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं तो वहां पर कुछ रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं कि अब रिटेन्ड प्रॉफिट्स की फॉर्म में कंपनी के पास बहुत सारे लार्ज अमाउंट में फंड्स जो हैं वो कलेक्ट हो गए हैं, उन फंड्स में से कुछ परसेंटेज निकाल लिया जाए और कहां दे दिया जाए, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की फॉर्म में दे दिया जाए. तो उस टाइम पर अगर आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो रेजिड्यूअल प्रॉफिट्स में आपको कुछ परसेंटेज मिलेगा. अगर आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो आपको जो स्टार्टिंग में फिक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर ईयर में डिविडेंड मिल गया, दैट्स ऑल मिल गया, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा. अगर आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो रेजिड्यूअल प्रॉफिट में भी आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड के अकॉर्डिंग जो है वो आपको डिविडेंड का कुछ शेयर अगेन मिल सकता है. नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कैरीज ए राइट ऑफ ओनली ए फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. पर्टिकुलर ईयर में आपको जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड के अकॉर्डिंग डिविडेंड मिल गया तब आप कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहे हो, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स की कैटेगरी में लाई कर रहे हो. द होल्डर्स हैव नो राइट टू शेयर इन द रेजिड्यूअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. अगर आपके पास नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो आपका कंपनी के रेजिड्यूअल प्रॉफिट्स में कोई भी शेयर नहीं है. थर्ड वन इज रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज प्रेफरेंस शेयर्स इन विच द कंपनी कैन रीपे द अमाउंट ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर्स आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया जाता है कि 5 years के बाद, 6 years के बाद, 10 years के बाद इन शेयर्स के ऊपर जो इनका कैपिटल है उसे क्या कर दिया जाएगा, रीपे कर दिया जाएगा, उसका रीपेमेंट हो जाएगा.
ठीक है, तो जिन शेयर्स का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रीपेमेंट हो जाता है उन शेयर्स को हम क्या कहते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल मीन्स रीपेमेंट। नेक्स्ट इज इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। दीज शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर रिडीमेबल ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। इररिडीमेबल शेयर्स अगर आपके पास हैं तो आपकी जो कैपिटल है वो आपको रीपे कब होगी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी क्या हो रही है, वाइंड अप हो रही है, बंद हो रही है। अदरवाइज आपकी पेमेंट आपको कभी भी वापस नहीं मिलेगी, वो लाइफ टाइम कंपनी के पास ही रहेगी। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में आपको कैपिटल मिलती ही कब है, जब कंपनी वाइंड अप होती है, ठीक है। अगर आपके पास इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो कंपनी अगर वाइंड अप नहीं हो रही है तो आपको कैपिटल वापस नहीं मिलेगी, वो कंपनी के पास रहेगी। दे कैन नॉट पेड अप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। लास्ट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इंटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर ए फिक्स पीरियड इज नोन एज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगर आपने कन्वर्टेबल नेचर के प्रेफरेंस शेयर्स परचेज किए हैं तो उनके साथ एक टाइम पीरियड अटैच होता है, 2 years, 5 years, 6 years, 8 years। उस फिक्स टाइम पीरियड के बाद उन प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, किसमें, इक्विटी शेयर्स में। अगर आपके पास नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है, तो उन्हें कभी भी चेंज नहीं किया जाता, उस टाइप के शेयर होल्डर के पास कन्वर्जन का कोई राइट नहीं होता। दैट्स ऑल अबाउट द 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ कम टू द एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एडवांटेजेस फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स का फर्स्ट एडवांटेज क्या है, उन्हें रेगुलर इनकम रिसीव होता है। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ क्या लगा होता है, एक फिक्स परसेंटेज लगा होता है और उस फिक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग उन्हें एक फिक्स्ड इनकम, रेगुलर इनकम एवरी ईयर रिसीव होती रहती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी बंद हो रही है तो उस टाइम पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल वेरी फर्स्ट रिटर्न की जाती है। उनको रिटर्न करने के बाद अगर कंपनी के पास कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलता। थर्ड वन इज वोटिंग राइट ऑन रिलेटेड रेजोल्यूशंस। इन्वेस्टर्स को अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किसी भी रेजोल्यूशन में वोटिंग राइट जो है वो अवेलेबल होते हैं। अगर कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन कंपनी पास करने जा रही है जिसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, वो कंपनी से रिलेटेड हैं, वो अदर इश्यूज से रिलेटेड हैं, उन इश्यूज पर कभी भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट अवेलेबल नहीं होते। तो हम समरी की फॉर्म में ये कहेंगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मैनेजीरियल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए वोटिंग राइट अवेलेबल नहीं होते, सिर्फ उन्हें वोटिंग राइट अवेलेबल होते हैं अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड रेजोल्यूशंस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस फॉर कंपनी। नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट, वोटिंग राइट नहीं होते प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, वो मैनेजीरियल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इट मीन्स कंपनी का जो कंट्रोल है वो सारा का सारा किसके हाथों में रहता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथों में रहता है। लेस बर्डन ऑन कंपनी। अगर कंपनी ने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं किए हुए हैं तो कंपनी के ऊपर लेस बर्डन रहता है। इट मीन्स कि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड के हिसाब से एक बार डिविडेंड दे दिया गया, उसके बाद कोई डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। रेजिड्यूल प्रॉफिट्स को पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो डिवाइड किया जाता है, अदर कैटेगरीज को डिवाइड नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज नो नीड ऑफ मॉर्गेज। प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने के लिए कंपनी को अपनी कोई भी फिक्स्ड एसेट सिक्योरिटी की फॉर्म में नहीं रखनी होती। रिसीप्ट ऑफ परमानेंट कैपिटल। अगर आप इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर देते हो तो आपके पास परमानेंट कैपिटल भी अरेंज हो सकती है, जो सिर्फ कब रिटर्न करनी होगी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर आपने रिडीमेबल नेचर के प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए हैं तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बन गया, फ्लेक्सिबल बन गया। आप उनको
पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मनी को क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। जब दोबारा आपको मनी की जरूरत हो तो दोबारा से शेयर्स इशू करके मनी कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज बेनिफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं है, आपने इस नेचर के शेयर ही इशू नहीं किए हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बहुत बेनिफिट मिलता है। कैसे मिलता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, फिर बाकी बचा हुआ जो सारा डिविडेंड है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। लिमिटेशंस फॉर इन्वेस्टर्स, फर्स्ट वन इज नो पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट। सिर्फ पार्टिसिपेटिंग नेचर के अगर प्रॉफिट्स हैं, अगर शेयर्स हैं, तो उन शेयर होल्डर्स को ही जो है वो क्या मिलता है, रेजिड्यूल प्रॉफिट्स में शेयर मिलता है। अदरवाइज एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई भी शेयर नहीं मिलता। नो पार्टिसिपेशन इन सरप्लस एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अगर वाइंडिंग अप हो रहा है कंपनी का, तो कंपनी के पास कोई रेजिड्यूल प्रॉफिट्स बचे हुए हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उसमें से कुछ नहीं मिलता। सिर्फ किसे मिल सकता है, अगर पार्टिसिपेटिंग नेचर के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, बाकी जो 7 कैटेगरीज हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता। नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजीरियल एक्टिविटीज। इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते मैनेजीरियल एक्टिविटीज में, कोई भी इंटरफेरेंस ये नहीं कर सकते। नो लीगल राइट टू गेट डिविडेंड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में कंपनी को प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे रही है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई लीगल राइट नहीं है कि कोर्ट में वो कंपनी के अगेंस्ट खड़े हो जाएं कि हमें इस ईयर कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है। कंपनी के लिए कंपल्शन नहीं है कि उन्होंने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो उन्हें वो जो कंपल्सरी है कि वो डिविडेंड दे ही दे, नहीं। अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो ही शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज द लिमिटेशंस फॉर कंपनी। फर्स्ट वन इज फिक्स बर्डन। कंपनी के लिए एक फिक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिविडेंड देना होता है, सो बर्डन इज फिक्स, फाइनेंशियल बर्डन इज फिक्स्ड इन नेचर। नो टैक्स एडवांटेज। अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है या बैंक से लोन लेती है, तो उस पर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है, और इंटरेस्ट पे करते ही कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, फाइनली कंपनी को टैक्स भी कम पे करना होता है, पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पर कंपनी को कोई भी टैक्स सेविंग नहीं होती है। नेक्स्ट इज डिससेटिस्फेक्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिससेटिस्फेक्शन रहता है। कब होता है ऐसा डिससेटिस्फेक्शन, जब डिप्रेशन का टाइम पीरियड चल रहा है, इट मीन्स जिस पर्टिकुलर ईयर में आपको लेस प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं, अब आपके प्रॉफिट्स लेस हैं, तो उस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तो अपना फिक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या ले लेंगे, डिविडेंड ले लेंगे। अब जो प्रॉफिट्स ही लेस थे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने, तो अपना शेयर ले लिया। अब कंपनी चाहेगी कि कुछ पैसा हम रिजर्व की फॉर्म में रिटेन्ड अर्निंग्स में भी रखें, वो रख लेगी, और बाकी इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या कहेगी कि अब आपके लिए बहुत कम प्रॉफिट्स बचे हैं या नहीं बचे हैं। तो इनकी वजह से हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। Come to the next topic, that is equity versus preference. It means difference between equity shareholders and preference shareholders. First one is, in case of equity shares, nominal value is lower, but preference shares nominal value is higher. Dividend varies according to the profit. Equity shares ke case mein kya hota hai ki अगर प्रॉफिट्स हायर हो रहे हैं तो अच्छा डिविडेंड मिलेगा, अगर कम हो रहे हैं तो कम डिविडेंड मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर के केस में डिविडेंड रेट क्या रहता है, फिक्स रहता है।
नेक्स्ट इज नो राइट फॉर एरियर्स ऑफ डिविडेंड. अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिला है तो उनका एरियर की फॉर्म में वो कंपनी के पास कलेक्ट नहीं हो रहा है, क्यूमुलेट नहीं हो रहा है, उन्हें नहीं मिलेगा कमिंग ईयर्स में, फ्यूचर में उनको प्रीवियस ईयर्स का डिविडेंड नहीं मिलेगा. बट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अगर आपके क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो आपको फ्यूचर में एरियर जो है वो रिसीव हो सकता है. नेक्स्ट इज नो प्रायोरिटी इन डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. बट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स प्रायोरिटी इज डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इज अवेलेबल. नेक्स्ट इज इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड बट प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड इफ कंपनी इशूड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. नेक्स्ट इज देयर इज मोर रिस्क. इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क जो है वो हायर रहता है एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स. वाइडर वोटिंग राइट, लिमिटेड वोटिंग राइट. नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट. बट इन प्रेफरेंस शेयर्स नो कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट. Equity shares are highly speculative, but preference shares are less speculative. Last one is ready to take risk and to get greater dividend prefer this. Equity shareholders में more risk रहता है. ठीक है, more risk किस वजह से रहता है? क्योंकि fixed percentage के according preference shareholders को dividend divide कर दिया जाता है और बाकी सारा dividend किसे prefer किया जाता है? greater dividend equity shareholders को prefer किया जाता है. लेकिन इनको risk भी रहता है कि अगर कभी company को less profits हो रहे हैं तो इनको dividend नहीं मिलेगा. ठीक है, कई बार कंपनी जो लॉस में चली जाती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैपिटल भी वापस नहीं मिलती, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में ज्यादा रिस्क रहता है. नॉट रेडी टू टेक रिस्क, इनको कम रिस्क होता है. क्यों? क्योंकि इनको एक फिक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिविडेंड मिलता रहता है. अगर कम प्रॉफिट हो रहे हैं तो कम डिविडेंड मिल जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ मिलेगा. क्यूमुलेटिव के केस में इनका तो एरियर भी कलेक्ट हो जाता है. एंड एक्सपेक्ट स्टेडी इनकम प्रेफर दिस. ऐसे शेयर होल्डर्स जो स्टेडी इनकम यानी कि रेगुलर इनकम चाहते हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफर करते हैं कि एक पर्टिकुलर फिक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें एवरी ईयर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड रिसीव होता रहेगा. दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.